नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। वह प्रोडक्ट है स्टेन रिमूवर। यह वीडियो इंस्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे कंपनी ने वडोदरा से गुजरात से भेजा है और इस प्रोडक्ट के प्लस माइनस क्या है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में समझेंगे। जानबूझकर एक कपड़े में हम कुछ स्टेन लगाएंगे और उस स्टेन रिमूवर से निकालने का प्रयास करेंगे और देखेंगे उस स्टेन रिमूवर का प्रभाव कितना है। तो बने रहिए इस वीडियो में, अनबॉक्सिंग भी देखिए और डेमोस्ट्रेशन भी देखिए स्टेन निकालने का। तो आइए अनबॉक्सिंग और डेमोस्ट्रेशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये पार्सल आया है और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं ये क्या प्रोडक्ट है। ये कर्मा करके प्रोडक्ट है, लॉन्ड्री स्टेन रिमूवर। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, इसमें यूज करने का तरीका है, कैसे इसको अप्लाई करना है और बेस्ट क्वालिटी लॉन्ड्री स्टेन रिमूवर इसमें मेंशन किया हुआ है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 200 ml का पैक है और जिसके हिसाब से स्टेन रिमूवर। आइए इसको देखते हैं, कुछ इस पे लगाते हैं कपड़े पे और शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखिए मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया हुआ है, प्योर कॉटन है, वाइट भी है और मैंने स्टेन लगाने के लिए तीन चीज़ दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल है, टर्मरिक हल्दी है और ये जो बच्चों को बहुत पसंद होता है टोमेटो केचप। इन तीनों चीज़ को अलग जगह पर लगाएंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं प्रक्रिया को। सबसे पहले ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया और थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे हल्दी लिया है जिसको हम टर्मरिक कहते हैं और एक जगह ये मैंने टोमेटो केचप लिया हुआ है, इसको भी हमने यहाँ लगा दिया। थोड़ा पानी इस पे दे रहे हैं कि और फैल जाए, इस पे भी दे दिया। अब सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल दे रहा हूँ हाथ की मदद से और देखने के लिए इतने से समझ में आ जाएगा कि ये कैसा काम कर रहा है। सबसे पहले हमने ये पानी लिया है, थोड़ा सा इसको खंगालने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना निकलना हो उतना ये वो निकल जाए। ये हमने कर दिया, फिर भी ये तीन जगह दाग हैं। आइए अब इसको प्रयोग करते हैं। ये जेल के रूप में है, सॉरी इसके अंदर भी एक कैप है इसीलिए निकल नहीं रहा था। इसके अंदर एक कैप था इसीलिए निकल नहीं रहा था। कैप निकाल के इसको हम टाइट करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे गिराएंगे। ये जेल के फॉर्म में है, ज़्यादा लिक्विड में ये नहीं है। इसको हाथ से थोड़ा यहाँ से मिक्स कर देंगे स्टेन जो लगा है उसके ऊपर और इसको भी हल्दी, ये ऑयल का स्टेन है इसके ऊपर। जैसा कि बोतल में दिया हुआ कुछ समय तक छोड़ना है, इसलिए इस पर हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे और फिर थोड़ा सा इफेक्ट आने के बाद रब करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और मैं थोड़ा सा ब्रश से इसको रब करने का प्रयास कर रहा हूँ, झाग बन रहा है और ये झाग भी देखिए जहाँ पे हमने हल्दी का दाग लगाया हुआ था, एक तरह से ये कहें तो झाग में ऊपर आ रहा है। बीच बीच में हम थोड़ा सा खंगाल भी रहे हैं। ये जो टोमेटो केचप लगा हुआ था इसके झाग में थोड़ा सा रेड आ रहा है, दैट मीन्स कि स्टेन निकल रहा है, नहीं तो झाग वाइट ही रहता। अब ये ऑयल का स्टेन है जो मस्टर्ड ऑयल हमने लगाया था। थोड़ा सा और इस पर अप्लाई करते हैं एक बार और,
और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। टोमेटो केचप तो एक तरह से निकल गया है क्योंकि ऑयल का दाग है, ये भी निकलने के कगार पे है। टोमेटो केचप और ऑयल ये तो निकल गए हैं, आइए इसको आप खंगाल लेते हैं। केचप तो निकल गया है, हल्दी चारों तरफ फैल गया है और इसमें दिया हुआ है कि इसको लगाने के बाद से आप नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश कर दीजिए। तो मैंने एक साबुन की टिकिया ली हुई है। जैसा कि आपको पता है हल्दी के स्टेन पे जैसे ही आप कोई सोडा मिक्स डिटर्जेंट लगाएंगे तो रेड हो जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ऑयल का जो स्टेन है हल्का सा बेस यहाँ पड़ा हुआ है, केचप का दाग निकल गया है। यह जो हल्दी का जो स्टेन है ये अभी विजिबल है, लेकिन मेरे अनुभव से हल्दी के दाग पे जब हम कुछ डिटर्जेंट वगैरह लगा के कुछ दूर तक धूप में रखते हैं तो काफ़ी हद तक निकल जाता है। अब देखिए दो स्टेन तो निकल गए, हल्दी वाले दाग पे थोड़ा सा ये रेडनेस आया हुआ है, बट हो सकता है धूप में डालने के बाद से या जब वॉशिंग की प्रक्रिया से ये गुजरे, जब वॉशिंग मशीन वगैरह में जाए तो ये निकल जाए। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट लगभग ठीक ही है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग खरीदने का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं और अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यह वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे इस प्रोडक्ट की डेमो दिखाने के लिए कोई पैसा नहीं मिला है। हाँ, ये प्रोडक्ट मुझे जरूर कुरियर से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, अपने आवश्यकता के अनुसार नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, आप इस प्रोडक्ट को मंगाइए और अपना अनुभव जो भी हो आप शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।